तो कैसे हो आप लोग। और आज है इस मंथ का आखिरी दिन यानी 30 सितंबर। और आने वाले 3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं मेरे लिए भी, आई थिंक आपके लिए भी, क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग समझ सकते हैं कि कैसे, जैसे 25 वाले जो है, मैं नहीं हूँ बट जो 25 वाले हैं वो लोग तो समझ ही सकते हैं कि कैसे उन्हें वर्क कंप्लीट करना है इन 3 महीनों में। उसके बाद 1 महीने जनवरी रिवीजन का रहेगा उनके लिए, और उसके बाद फिर बाकी के 3 महीने फिर प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम तो हमें वाले 2026 में देना है, बट मेरा भी ये एम रहा है कि 2025 के प्रीलिम्स तक मेरा जीएस पूरा, जो मेंस वाला सारा सब्जेक्ट है, वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वर्क कर रहा हूँ, और आपको दिखाऊंगा अगले जो 3 महीने होने वाले हैं वो मैंने पेपर में नोट करके रखा हुआ है, और उस 3 महीने में मुझे क्या वर्क करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और अभी से 3 महीने तक, मतलब एक दिन अगर गैप छोड़ भी दो तो भी 90 दिन है। उस 90 दिन में एक 90 दिन का ब्लॉग बनेगा, मतलब पर डे एक ब्लॉग बनेगा, और डेली क्या प्रोग्रेस मैं कर रहा हूँ अपने वर्क में वो सब आपको दिखाऊंगा। छोटा छोटा ब्लॉग रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रखूंगा, और सिंपल रखूंगा। जो पढ़ूंगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जैसा मैंने पहले भी बताए थे वीडियोस में। तो स्वागत है आपका आज के पहले ब्लॉग में। बेसिकली ये पहला भी नहीं होगा क्योंकि आज 30 तारीख है, आखिरी महीना है, मतलब मैं इस महीने का आखिरी दिन है, और अभी नेक्स्ट महीने से सेशन स्टार्ट होने वाला है ये सारा। तो ये एक डेमो ब्लॉग हो गया जो थोड़ा बड़ा भी रहेगा, तो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको अपना टारगेट दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली डेट वाइज मैंने मेंशन कर रखा है 3ों महीने। तो यहाँ पर मैं डेली लिखूंगा क्या टारगेट्स मैंने कब अचीव किए, कितने कंप्लीट हुए। ये पहला पेज है। दूसरा पेज है क्या क्या मुझे पढ़ना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सब्जेक्ट्स कितने हैं, सबको मैंने अपने पर्टिकुलर डिवीजन में मतलब कर दिया जैसे पढ़ना है, और कितने चीज़ के लिए कितना टाइम चाहिए ये सब भी लिखा हुआ है। खैर ये सब उतना डिटेल में जानने नहीं चाहिए, मतलब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या सोर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर, रिविज़न का। तो ये बेसिकली एक क्या कहते हैं डेली नोट है, टू डू लिस्ट है, डायरी है, जो भी कहो, जो भी आप समझो वही है। आप भी बनाओ यार, हेल्प मिलता है इससे। तो जैसे कल है 1 तारीख, तो कल क्या क्या मैं करूँगा वो सारा यहाँ पर लिखता चलूँगा कि क्या क्या करना है। तो बताता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो एनसीईआरटी का है। तो ये आई थिंक 16 बुक हैं ये पूरे एनसीईआरटी के, ये पूरा मुझे कवर करना है अगले 2 महीने में थोड़ा थोड़ा करके, बट उससे पहले ही करना है। मैंने मतलब एक मैक्सिमम टारगेट लेके रखा हूँ कि 2 महीने में ये पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। एनसीईआरटी में क्या क्या है, तो ऊपर पॉलिटी की बुक है, आई थिंक 9, 10, 11, 12 की पॉलिटी की बुक है। उसके बाद हिस्ट्री या ज्योग्राफी है, फिर हिस्ट्री है। तो टोटल इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की 9 to 12 की सारी बुक है। वो सारा मुझे कंप्लीट करना है, 16 बुक सारा कंप्लीट करना है अगले 2 महीने का मैक्सिमम टारगेट है, बट जितनी जल्दी अचीव कर लूँ उतना बढ़िया। नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमारे करंट अफेयर का है। तो ये नोटबुक है जहाँ पर मैं करंट अफेयर को मेंटेन कर रहा हूँ डेली। तो अभी रेगुलर नहीं हूँ करंट अफेयर में, ये जो टीचर्स ने पढ़ाया था वो सारे मैंने नोट करके रखे हुए हैं। बाकी अभी क्या होगा कि 1 तारीख से 28 का एक नोट किया था मैंने, मतलब एक प्रैक्टिस के तौर पे कि कैसे करना है, प्रैक्टिस के तौर पे था। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं। तो अगले महीने मतलब 1 तारीख से रेगुलर में मेंटेन करूंगा पूरा करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज, और जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारे नोट्स करूंगा, और फिर आपको ये पूरा बुक भरा हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट मंथ से ये भी एक टारगेट है। उसके बाद ये नोट्स वाला सेक्शन है मेरा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ यहाँ, तो यहाँ पर सारे नोट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, आई थिंक क्लास वाले नोट्स हैं जो सारे कंप्लीट हो चुके हैं सब्जेक्ट वाइज। तो नेक्स्ट जो 1 तारीख है उससे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी स्टार्ट होगा। वैसे पहले भी मैंने कुछ कर रखे हैं, जैसे ये चैप्टर 3 बचा है, चैप्टर 2 और आई थिंक चैप्टर 1 हो चुका है। तो इसी तरह से जो डिविजन्स मैंने किए हैं उसके अकॉर्डिंग पर डे थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता चलेगा। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, ये नोट्स, ये पूरी एनसीईआरटी, ये करंट अफेयर जिसका सोर्स मैगजीन भी होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होते हुए दिखेगी अगले महीने से, और रेगुलर बेसिस पे करूँगा। तो जैसा मैंने बताया कि करंट अफेयर
एनसीईआरटी और नोट्स सारा कल से, मतलब एक तारीख से ए टू जेड रिवीजन के साथ कंप्लीट होने वाला है। मतलब रूटीन में है कि अब कंप्लीट करूंगा पूरा डेफिनेटली बिना कुछ छोड़े। और क्या सीन रहता है, क्या प्रोग्रेस रहता है, वो तो आपको डेली वाले ब्लॉग में दिखेगा और जो भी पढ़ूंगा आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो ब्लॉग सिर्फ आपके टाइम पास के लिए नहीं होगा, आपके रिवीजन के लिए भी होगा। सारा कंटेंट शेयर करूंगा, बिल्कुल ट्राई करना देखने का। और मेरे रिसोर्स जो है वो शेयर ही रहेंगे उसी ब्लॉग के साथ, तो वो भी आप पढ़ सकते हो जिनके पास नहीं है, जिनके पास है अच्छी बात है। तो ये सारा चीज़ तो हो गया, करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा तो इसके बारे में अभी बता दे। तो ये मेरे पिछले रूटीन का था, इसके टाइमिंग के मत जाना क्या टाइमिंग है। ये टाइमिंग अब से नहीं होगा फॉलो, क्योंकि अब से एक नया रूटीन, मतलब नया रूटीन में नहीं कर सकते, डेली को कैसे, डेली वर्क को कैसे कंप्लीट करना है वो सब है। बेसिकली आप सब्जेक्ट पे ध्यान दो, मतलब चीज़ों पे ध्यान दो। तो इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग है, एनसीईआरटी है, रिवीजन मतलब नोट समझ लो, ये क्लास जो कि डेली होता है, ये है करंट अफेयर। तो क्लास को तो जैसा था वैसा ही करूँगा, जितने घंटे की क्लास होगी करूँगा। और अब सबसे पहले करंट अफेयर के बारे में बताता हूँ। करंट अफेयर का क्या है कि जो वीकली मैगजीन रहेगा उससे नोट्स बनाऊंगा, वेबसाइट्स और जो लिंक है मेरे पास वहाँ से, जो हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के रहते हैं मेरे पास नोट्स आ जाते हैं डेली, वहाँ के नोट्स मैं नोट करूँगा डेली। इसको करना है हर दिन एक तारीख से, मतलब कल से। तो ये पूरा मेरे करंट अफेयर में कवर होगा। और करंट अफेयर को सिर्फ लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है, और उसका रिवीजन भी करूंगा। तो रिवीजन के लिए मैंने वीकली सोचा हुआ है कि जैसे एक तारीख से नेक्स्ट सैटरडे तक का पूरा नोट्स बन जाएगा करंट अफेयर का, उसके बाद फिर उसको संडे को रिवीजन करना है पूरा। इस तरह से रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर कंप्लीट करूंगा, इस तरह से करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी जैसा कि मैंने बताया 16 बुक है, और मुझे 2 महीने का मैंने टारगेट लेके रखा है, मतलब मान के चलो 32 दिन, जबकि 31 होंगे बट मान के चलो 32 दिन है। तो एक बुक के लिए मेरे पास 2 दिन रहेंगे, मतलब हर 2 दिन में मेरा एक बुक कंप्लीट होना चाहिए ताकि 16 बुक का जो मेरा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। बट क्योंकि मेरी रीडिंग कैपेसिटी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है रेगुलर हैबिट के साथ, रेगुलर पढ़ने के साथ, तो आई थिंक मुझे एक बुक 2 दिन में ना हो करके, मेरे साथ ये उल्टा भी हो सकता है कि एक दिन में मैं 2 बुक पढ़ लूँ। तो जो भी रहेगा 2 महीने का टारगेट है, बट ऐसा नहीं है कि टारगेट 2 महीने का है तो 2 महीने लगाऊंगा पूरा, जितनी जल्दी हो उसके एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है चाहे कुछ हो जाए। बाकी रेगुलर बेसिस पे क्लास करना है। तो ये हो गया एनसीईआरटी हो गया, करंट अफेयर हो गया। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है नोट्स रिविजन। नोट्स रिविजन को मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसा मैंने अभी इस पेपर में आपको दिखाया था। ये देखो, इकोनॉमी 10 चैप्टर, एनसीईआरटी 16 बुक, एनसीईआरटी एनसीएंट 5 डिवीज़न, वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 डिवीज़न। इस तरह से मैंने अपने नोट्स को डिवीज़न में मेंटेन किया है। तो हर महीने का कुछ डिवीज़न कंप्लीट करना है, वो भी एक टारगेट सेट रखा है। बट अगर उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा कि कैसे टारगेट सेट है तो वो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, तो वो नहीं करते हैं। बेसिकली सीन ये है कि इस 3 महीनों में कुछ 5, 6 to 7 नोट्स हैं पूरे जो कंप्लीट करने हैं मुझे। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, फिर हिस्ट्री का सारा पार्ट, मॉडर्न एंशियंट सारा, सोसाइटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इस तरह से बहुत सारे नोट्स हैं, वो सारी कंप्लीट करने हैं। तो ये रिवीजन वाला काम भी हो गया, जो कि पूरा नोट्स कंप्लीट करना है। उसके बाद 2 चीज़ें, एक है ऑप्शन, मतलब ऑप्शनल, और एक है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का मैंने आपको सोर्स तो बता ही दिया है क्या क्या है मेरे पास सोर्स, PYQ हो गए, मॉड्यूल हो गए, और वीकली मैगजीन में मतलब जो नोट्स रहते हैं, मतलब जो क्वेश्चन रहते हैं वो हो गए। तो वो भी नेक्स्ट महीने से स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब कल से 1 तारीख से। बट हो सकता है 1-2 दिन ना करूँ, एटलीस्ट कुछ चैप्टर के नोट्स जब मैं रिवाइज कर लूँगा कंप्लीट हो जाएंगे, तो वहाँ से फिर मैं अपने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये इकोनॉमी स्टार्ट कर दी है और 2-3 चैप्टर मैंने पढ़े हैं, रिवीजन किया है, तो वहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसको पहले आंसर राइटिंग में करूँगा। तो जैसे जैसे मेरा रिवीजन होता चलेगा वैसे वैसे आंसर राइटिंग भी साथ साथ करता चलूँगा, और रेगुलर इसको भी प्रैक्टिस में रखूँगा डेली, मतलब। उसके बाद ऑप्शनल है, ऑप्शनल का भी कुछ खास डिसाइड नहीं किया है, बट हो सकता है 1-2 लेक्चर्स, क्योंकि नोट्स मेरे पास हैं ही, लेक्चर्स यूट्यूब पर हैं फ्री में, मेरा PSIR है,
बहुत लोग लाइव में पूछते हैं क्या है। तो मेरा PSIR है, तो ऑप्शन को एक एक लेक्चर हो गया या एक एक नोट्स हो गया, हर 2 दिन पे 3 दिन पे एक एक करता चलूंगा, तो वो भी आई थिंक 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से कल से मेरा पूरा टॉपिक रहने वाला है। तो क्या क्या मैं करूंगा, कैसे करूंगा, सब कुछ आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया और आपके साथ भी शेयर करूंगा सब कुछ, चाहे नोट्स हो, क्वेश्चन हो, जो भी हो। तो बेसिकली मैं इस बात पे बार बार फोकस ये क्यों करता हूँ, तो रीजन ये है कि सिर्फ आप ब्लॉग एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो यार, आपका टाइम बर्बाद ना हो, आपको भी कुछ मिले, रिसोर्स या कुछ भी जो आपका रिविजन हो जाए या जहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ब्लॉग, मेरा जो ब्लॉग होगा उसका पूरा का पूरा मोटिव यही होगा कि आप भी मेरे साथ पढ़ते चलो, सीखते चलो, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी कोई पास आउट नहीं हूँ, मैंने भी कोई एग्जाम नहीं दिए हुए हैं, तो मैं भी साथ में सीखता हूँ, आप भी सीखो मेरे साथ भी। और जो भी आपको कभी भी कुछ भी लगे कि मैं कहीं पर गलत हूँ तो बिल्कुल आप कमेंट करो, फिर हम उस पर भी बात कर सकते हैं कि क्या अप्रोच अलग हम ट्राई कर सकते हैं। तो आपके साथ आई थिंक मेरा भी प्रोग्रेस होगा, आपका भी प्रोग्रेस होगा, तो इसलिए मेरा ब्लॉग टोटली इसी इन्हीं चीजों पर होने वाला है। और यही था आज का कुछ मेन थीम जो मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत कल से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लिए, तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और जो लोग जितने लोग आप लोग मेरे साथ जुड़े हो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट मैं बना दूंगा, अगर नहीं भी हो तो मैं इंपॉर्टेंट सारे ब्लॉग्स बना दूंगा, सारे सब कुछ शेयर करने वाला हूँ बेसिकली। मतलब अभी मैं जो सोच रहा हूँ अगर वो सब मैं कर पाया तो आई थिंक UPSC का एक तरह से कोर्स ही मैं अपना शेयर कर सकता हूँ। तो बट ठीक है, जो होगा अभी आने वाले फ्यूचर में देखा जाएगा। फिलहाल तो यही है कि क्या प्लानिंग है मेरी आपके साथ पढ़ने लिखने की, जो भी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आई होप कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा थीम पसंद आया, मैं जो शेयर करने वाला हूँ वो पसंद आएगा, तो इस ब्लॉग को और आने वाले इसी तरह के सारे ब्लॉग को आप लाइक भी करना, और चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी करना। डेली रेगुलर कंटेंट कल से इस टाइप के आपको मिलने वाले हैं, तो हैं मेरी रेगुलरिटी बहुत अच्छे से मेंटेन होगी ये तो मुझे पता है। एक आध दिन हो सकता है वीक में छुट्टी ले लूँ, इधर उधर चला जाऊँ वगैरह वगैरह, बट जो रेगुलरिटी रहेगी वो मेरी मेंटेन रहेगी और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो फिर क्या मिलते हैं कल, कल से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, जो भी मेरे साथ जुड़े हो, जो भी नहीं जुड़ेंगे उनके लिए भी। तो मिलते हैं कल कल के ब्लॉग में, जहाँ से हमारी पढ़ाई बहुत सीरियस वे में स्टार्ट होने वाली है, अभी तक भी सीरियस थी और आगे और बेहतर तरीके से स्टार्ट होगी, मेरे साथ आप भी जुड़ेगा। तो थैंक यू, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।